कोयटा में दहशतगर्दी के वाकयात से बचाव के लिए डबल सवारी समेत हर किस्म के असलहे की नुमाइश, पोस्टर्स और वॉल चौकिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है जो कि यकुम से 10 मुहर्रमुल हराम तक बरकरार रहेगी। महकमे दाखिला और कबायली उमूर बलूचिस्तान ने यकम तक 10 मुहर्रम उल हराम सूबे भर में दफा 144 का नफाज करते हुए डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है, जिस पर मुकम्मल अमल दरामद शुरू हो गया है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यकुम से 10 मुहर्रम उल हराम तक हर कस्म के असलहे की नुमाइश, पोस्टर्स और वॉल चौकिंग और मातमी जुलूसों की रूट और इमाम बारगाहों के करीब की दुकानों के अलावा मकानात की इंतजामिया से इजाजत लिए बगैर किरायेदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमे दाखिला की जानब से जारी करदा ऐलामिया के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के दौरान सूबे भर में अमनो अमान के लिए मस्कूरा बाला इकदाम उठाए गए हैं।